हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हो संजीर ब्लॉग्स और मैं हूँ संजीर आलम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कतर की लेटेस्ट अपडेट, इस साल 2021 में किन किन खुश नसीब लोगों को हज की शहादत मिलेगी इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लिमिट लगाया गया है, इतने ही लोग हज करने जा सकेंगे। और साथ साथ जानेंगे, आप लोगों को एक चीज समझाऊंगा इस वीडियो में, जो लोग भी कतर आना चाहते हैं, अगर छुट्टी पे गए हैं वो भी आना चाहते हैं, तो कहाँ पर बुकिंग कराए होटल क्वारंटीन के लिए, होटल या मैकिनस मोटल। लोग अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लोगे इस बारे में, तो आपको किसी से भी सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप कहाँ पर बुक कराओगे। क्योंकि आज आपको मैं बाकायदा तीन एंट्री परमिट है, तीन तरीके का, उसको मैं दिखा करके आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर ले। उससे पहले जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले। तो चलिए आज का सबसे पहले कोविड-19 के लेटेस्ट अपडेट। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए केवल 283 नए केस की बात करें तो कल 330 रिकॉर्ड किया गया था, यहाँ पर केवल 283 रिकॉर्ड किया गया है। मरने वालों की संख्या में भी कमी आकर के केवल एक हो गया। और आईसीयू की बात कर ले तो केवल 5 लोग आईसीयू में गए। यहाँ पर रिकवर का जो तादाद है वो कम हो गया है, केवल 353 लोग रिकवर हुए और 7 लोग केवल हॉस्पिटलाइज हुए पिछले 24 घंटे में। अगर एक्टिव केस की बात कर ले तो कतर के अंदर केवल 3,957 ही अभी एक्टिव केस बचा हुआ है। और वैक्सीनेशन की बात कर ले तो 31,337 लोगों को पिछले 24 घंटे में वैक्सीन दी गई। कुल जो तादाद पहुंच चुका है वैक्सीनेशन का, 22,93,240 लोगों को अब तक वैक्सीन कतर में लगाई जा चुकी है। चलिए जान लेते हैं किन किन खुश नसीबों के किस्मत में 2021 का हज लिखा है। वो तो रब ही जानता है। तो बता दें आपको, केवल सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है केवल 60,000 लोग ही इस साल हज कर पाएंगे 2021 में। उनमें से भी 15,000 लोग जो सऊदी के अंदर वाले होंगे वो लोग होंगे, और 45,000 लोग जो सऊदी से बाहर के होंगे वो लोग होंगे। और इनमें हज करने के लिए तो सऊदी के तरफ से जो कहा गया है, जो दोनों डोज लिए होंगे वही लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो 9 तरीके के डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप लोगों को देने पड़ेंगे। अगर जो लोग भी हज करने जाते हैं, किनके किस्मत में लिखा है 2021 का हज, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूज है कहाँ हम बुक करें, होटल में या मैकिनस मोटल में। तो आपको वीडियो को मैं स्क्रीन पर आके बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप जो पहला एंट्री परमिट देख पा रहे हैं, यहाँ पर साफ लफ्जों में ऊपर लिखा हुआ है क्वारंटीन के लिए होटल और मैकिनस। तो ये लोग दोनों जगहों में से अगर इनको जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पर ये बुक करा सकते हैं। और नीचे में देखिएगा तो आपको यहाँ पर केवल 7 दिनों के लिए दिखाया गया है, जबकि अभी के रूल में 10 दिन है और ये ज़्यादा पुराना नहीं है। चलिए आपको इसका डेट दिखा देता हूँ, इसका डेट कब निकला है। दोस्तों अभी जो आप देख पा रहे हो एंट्री परमिट, ये दूसरे का है और इसका डेट ऊपर लाल निशान में दिखा दिया हूँ। और ये केवल मैकिनस मोटल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर होटल नहीं लिखा है। तो इनको केवल मैकिनस मोटल में ही बुक करा सकते हैं। अगर ये होटल में बुक कराते हैं तो इनको एयरपोर्ट पे आने नहीं दिया जाता है, जिनका केवल मैकिनस लिखा होता है उन लोगों का। तो दोस्तों ये तीसरा एंट्री परमिट है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर में यहाँ पर ना तो होटल लिखा है ना तो मैकिनस लिखा हुआ है। तो इन लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो ये लोग भी दोनों जगह में से एक जगह बुक करा सकते हैं। चलिए नीचे आते हैं, फिर देखते हैं आपको क्वारंटीन रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमने जो क्वारंटीन रिक्वायरमेंट है इसको बड़ा कर दिया है ताकि आप लोग आसानी से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। आप लोगों के एंट्री परमिट पे भी ऐसा रहता है, हमने आपको तीन तरीके का एंट्री परमिट दिखाया है। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ 48 घंटे के अंदर का आपका PCR टेस्ट चाहिए, और यहाँ पर एक और लिखा हुआ है 7 दिनों के लिए होटल क्वारंटीन चाहिए, पर ये जिसका है वो मैकिनस मोटल में 14 दिन क्वारंटीन करके आया है। तो दोस्तों जो लोग का भी ऐसा एंट्री परमिट होता है वो लोग भी दोनों जगहों में से एक जगह कर सकते हैं, आप होटल या मैकिनस मोटल दोनों में से एक जगह कर सकते हैं बुक। और बता दें जिन लोगों का केवल होटल लिखा है तो वो लोग केवल होटल में करेंगे, अगर होटल मैकिनस दोनों लिखा है तो उनको जहां दिल करे वहां कर ले, जहां सुविधा पड़े वहां कर ले। और जिनका मैकिनस लिखा हुआ है वहां पर तो केवल मैकिनस में ही बुक करा सकता है, वो होटल में बुक नहीं करा सकता है।
दोस्तों मैंने जो बताया क्वारंटीन के लिए किन किन लोगों को होटल में और मैकिनस मोटल में करना चाहिए, आप एंट्री परमिट देख करके, खुद का आप एंट्री परमिट देख करके आप डिसाइड कर सकते हो। आज की वीडियो यही थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, जब तक अपना खूब ख्याल रखे, थैंक यू।